21 जनवरी 2021 से चलाए गए सड़क सुरक्षा माह के अंतिम दिन हरिपर्वत चौराहे से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सड़क सुरक्षा माह समापन कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी और तमाम सामाजिक संगठनों एनसीसी व एनएसएस के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कर्मचारियों का सबसे बड़ा एम रोल रहता है ट्रैफिक माह में, जिस तरीके से चलाया जाता है, लगातार जागरूकता की जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, वीरेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट चैम्बर आगरा और सह प्रवक्ता ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस न्यू दिल्ली। ये 21 जनवरी से और आज 20 फरवरी तक का ये यातायात महा केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें आगरा में परिवहन विभाग ने बखूबी से इस कार्यक्रम को निभाया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, IMA, सामाजिक संस्थाएं, कैडेट्स, स्कूल के बच्चे, अन्य हमारी सामाजिक संगठन, सभी ने सहभागिता का निर्वहन किया है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज जो शोक के हिसाब से ये कैंडल मार्च जो निकाला जा रहा है, जो दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मृत्यु जो हमारे देश में हो रही है, वो जो सड़क सुरक्षा, सड़क में मारे जाते हैं दुर्घटनाओं में, उनकी आत्म शांति के लिए ये आज कार्यक्रम है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी ये दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जनता, कुछ ना कुछ प्रशासन, कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि जनता ही पूरी तरह से जिम्मेदार है अथवा परिवहन विभाग या सरकारी विभाग ही जिम्मेदार है, इसमें दोनों की भूमिका होती है। जहाँ जनता को अवेयरनेस, यातायात के साधनों का पूरा सहयोग करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, जैसे 2 व्हीलर्स पर हेलमेट है, क्योंकि दुर्घटना में हमेशा सिर पहले आता है 2 व्हीलर्स पर, जैसे 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट है, अन्य चीज़ें हैं, इन सब के साथ साथ जनता का कार्यक्रम तो जो भी है वो करते ही हैं लोग, और नहीं कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, लेकिन प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे सिग्नल्स खराब पड़े हुए हैं, रोड जो है ख़राब हैं, कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट हैं जो शहर में, वो जो है अभी सही तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, जहाँ दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं, संभावना अधिक हैं, उनको भी उनको दुरुस्त करना चाहिए, उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। सड़कों के किनारे इंक्रोचमेंट हैं, पार्क जहाँ पर चौराहे हैं वहाँ पर इंक्रोचमेंट हैं, तो ये सब चीज़ प्रशासन का काम है। ज़्यादा सड़क सप्ताह सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, जागरूक किया जाता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट कम नहीं हो रहे हैं। जो ये यातायात माह जो चलाया गया था दिनांक 21 जनवरी 2021 से लेके 20 फरवरी 2021, आज उसका समापन दिन था। आज जितने भी सड़क दुर्घटनाओं में हमारे लोग मृत हो जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। ये जो कैंडल मार्च था, इसको जो यहाँ की आगरा की आम जनमानस है, उसको एक संदेश देने के लिए ये किया गया। संदेश ये था कि जो भी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेगा, जो भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेगा, रैश ड्राइविंग करेगा, वो खुद को और जो सड़क पे जो और भी जो लोग चल रहे हैं या गाड़ियां चल रही हैं, उनको इनवाइट करता है दुर्घटना के लिए। जो दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं बहुत ही विभत्स होती हैं, उसमें लोगों की जान भी चली जाती है। ये कैंडल मार्च उसी लिए आयोजित किया गया था, एक संदेश देने के लिए कि हमें जागरूक रहना है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, जो भी ट्रैफिक के उसूल हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, अगर हम उसका पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम जो ट्रैफिक के इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उसमें कमी लाएंगे। सर, आगरा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा क्या विशेष किया जाएगा आगे के इस तरीके की दुर्घटनाएं रोकने के लिए? देखिए, आगरा स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है, इसमें कैमरेज लगाए गए हैं। कैमरे के माध्यम से जो भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन है, इसको कैमरे से कैप्चर किया जाता है, और जो वायलेशंस हैं उसके चलान भी किए जाते हैं। तो एक तो ये रहता है कि एक फियर ऑफ लॉ, जिससे कि जो आम जनमानस है वो एटलीस्ट कैमरे के डर से जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसको फॉलो करेगी। दूसरा, जो घटनाएं हैं हमारी, उसमें हम, जाहिर सी बात है कि एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसमें कमी आएगी।